हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास किचन। आज मैं आपको लौकी की लौंज बनाना बता रही हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसमें जनरली हम लौकी हम सब लोग को पसंद आती ही है। हमने यहाँ पे लौकी लेंगे, उसको ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के बाद उसको अच्छे से भूनेंगे जिससे कि उसका सारा वाटर ड्राई हो जाए। जब वाटर ड्राई हो जाएगा तब हम उसमें खोया है, पनीर है, ये सब मिक्स करेंगे। फिर शुगर ऐड करेंगे। जब शुगर का भी वाटर सब सोक हो जाए तब हम इसको एक दो मिनट के लिए भूनेंगे और फिर हम इसको प्लेट पर सेट कर लेंगे। और फिर हमारे जब सेट हो जाएगी तब हम उसके पीसेस करेंगे। तो आइए चलिए अब हम लौकी की लौंज को बनाते हैं। आइए लौकी की लौंज बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg लौकी ली है। इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश करके पील कर लिया। पील करके हमने इसको ग्रेट कर लिया। साथ में यहाँ पर मैंने ली है 200 ग्राम शुगर। आप शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे 200 ग्राम लिए है, आप 250 ग्राम 300 ग्राम भी शुगर ले सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेश पनीर। ये 200 ग्राम पनीर है। हमने क्या किया, दूध को बॉइल करा, उसमें लेमन डाला, 2 टेबल स्पून लेमन डाला और उसको हमने कर्डल कर लिया। उसके बाद हमने इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया क्योंकि हमने उसमें जो लेमन डाला है अगर हम वॉश नहीं करेंगे तो इसमें थोड़ा सा खटास रहेगा, तो हमारी लौकी की लॉन्च के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। और साथ में मैंने ये फ्रेश खोया लिया है। यहाँ पर मैंने ये 100 ग्राम खोया लिया है और कुछ एलमंड और ये इलायची पाउडर है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो लौकी है इसको अच्छे से 2 टेबल स्पून घी डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जितना अच्छा भूनेंगे हमारी लौकी की लौंज उतनी ही अच्छी बनेगी। तो चलिए हम पहले लौकी को अच्छे से भूनते हैं। ये देखिए, इसमें हमने 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है। अब हम इसमें जो ग्रेटेड ये लौकी है वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। क्योंकि लौकी में बहुत वाटर होता है इसलिए हमें इसको जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे उतनी ही हमारी लौकी की लौंज बहुत अच्छी बनेगी। तो हम इसको अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसको भूनना है और कंटिन्यूसली हमें इसको चलाते रहना है, अदरवाइज लौकी नीचे से लग भी सकती है। ये देखिए, लौकी को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अभी लौकी अपना वाटर छोड़ने लगी है, तो इट मीन जब तक लौकी में वाटर है तब तक हमें इसको भूनना है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज रहेगा। अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो हमें इसको भी और भूनना है। ये देखिए, ये हमारी लौकी अच्छे से भुन गई है। जो हमने ये लौकी ली थी इसको हमने ग्रेट किया हुआ था, तो ग्रेट करने के बाद वो हमारा 1 kg था। क्योंकि ग्रेट और अगर आप वैसे मेजरमेंट करेंगे तो ग्रेट किया हुआ हमारे को मेजरमेंट करना है, तो हमने यहाँ पे ग्रेट की हुई है लौकी ली थी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा जो पनीर है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल पनीर से इसका जो टेस्ट होगा ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें पनीर कैसे ऐड किया, पनीर से आप बना कर देखो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हम ये इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें जो खोया है वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे। और जो मैंने ये खोया लिया है ये मैंने ऑलरेडी भून लिया है, तो यहाँ पर मैंने ये भुना हुआ खोया लिया था। अभी मैंने ये पनीर ऐड किया हुआ है, ये 200 ग्राम पनीर है। इसको पहले हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हम ये खोया है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारा 100 ग्राम खोया है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, खोया पनीर सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसमें वाटर भी नहीं है, पर अब हम जो शुगर ऐड कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ये शुगर वाटर रिलीज करेगा, तो हमें थोड़ी देर इसको और गैस पे पकाना है जिससे कि जो इसमें वाटर रिलीज करेगा वो सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, ये हमारी शुगर सब इसमें डिसॉल्व हो गई। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये आलमंड है ये हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे
बाकी हम गार्निश करेंगे और थोड़ा सा ये इलायची पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमने प्लेट पहले से ग्रीस कर ली है, तो अभी हम इसको प्लेट पर स्प्रेड करेंगे और इसको करीब आधा घंटा के लिए हम इसको सेट होने रखेंगे। ये देखिए, ये हमने प्लेट को हमने ऑलरेडी घी से ग्रीस कर दिया है। अब हम इस पर ये लौकी की लॉज जो हम रेडी की है वो हम उस पर स्प्रेड कर देंगे इसको अच्छे से। देखिए, अब हम इसके ऊपर ये आलमंड है ये हम थोड़ा सा इसको से गार्निश कर देंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे कि जो हमने इसमें आलमंड डाले हैं वो निकले ना। और साथ में हम थोड़ा सा ये इलायची पाउडर है ये भी हम हल्का सा स्प्रेड कर देते हैं। अब हम इसको हाफ एन आवर के लिए सेट होने रखते हैं। और फिर हम इसके पीसेस कट करेंगे। हाँ, ये देखिए, ये हमने लौकी की लॉन्च को प्लेट में हाफ एन आवर के लिए सेट होने रख दिया था। उसके बाद हाफ एन आवर के बाद हमने इसको पीसेस में कट कर लिया, तो ये हमारी लौकी की लॉन्च रेडी हो गई है। ये देखिए, बनाना कितना ही आसान था, कभी भी बना सकते हैं इसको। हम फास्टिंग, जब हम लोगों के फास्टिंग होते हैं उस समय भी हम ये लौकी की लॉन्च को बना सकते हैं। आप इसको एज अ डेजर्ट के जैसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।